चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर दबाना ना भूलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त संजीव, संजीव ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। सबसे पहले जिन जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जाके आप अपने आप को अनुभव करेंगे कि आप एक बहुत ही प्राचीन काल में पहुँच गए हैं। ये जगह है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पालनपुर तहसील के पास माँ आशापुरी देवी का मंदिर। माता के मंदिर पहुंचने के लिए आप बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं जो पालनपुर से चलती है आशापुरी गांव तक। इसके अलावा पंजरुखी में रेलवे का स्टेशन है जहां से आप पठानकोट से अगर कोई श्रद्धालु वहां जाता है तो पंजरुखी उतरकर वहां से बस लेके वो आशापुरी टेंपल तक आ सकता है। और रास्ते में आप देख रहे होंगे जैसे ये आज जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये रेस्ट हाउस है। अगर कोई श्रद्धालु रात को रुकना चाहता है और रात का अच्छा अनुभव लेना चाहता है, प्रकृति का अनुभव लेना चाहता है, तो ये यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी है। अभी हम पहुँच गए हैं पार्किंग में। जो मेन गेट है वो आप सामने देख सकते हैं। ये यहाँ की मार्केट जहाँ पर आप प्रसाद और बाकी जो भी चीज़ें जो हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, माता के चढ़ावे के लिए ले सकते हैं। इस गांव में जितने भी परिवार हैं सभी बारी बारी से माता आशापुरी जी का पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पहले इन गांव के लोगों के द्वारा ही उनकी सेवा की जाती थी, और श्रद्धालु जो आते थे और जो सेवा दान करते थे उनके द्वारा ही इस मंदिर का रखरखाव किया जाता था। लेकिन जब से पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंडर लिया है तब से इसकी काफ़ी अच्छी केयर हो रही है। अभी हम मुख्य प्रांगण में आ गए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं मंदिर, ये माता आशापुरी जी का गर्भगृह है। तो उसका आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली, कई हजार सालों से ये टिका हुआ है। देखने में वाकई में एक अद्भुत संरचना लगती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आशापुरी मंदिर का निर्माण पांडवों ने उस समय करवाया था जब वे अज्ञातवास के दौरान हिमाचल प्रदेश आए थे। उसके बाद 16वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कटोच वंशज के सुप्रसिद्ध राजा मानसिंह ने करवाया था। तो आप देख सकते हैं आज भी ये मंदिर अपनी प्रभावशाली छवि को बनाए हुए रखा है, जो कि वाकई में मानने वाली बात है कि हमारे पूर्वजों का जो आर्किटेक्चर जो नॉलेज था बहुत ही शानदार है। महामाई जी के दर्शन करने के बाद जैसे हम बाहर आए तो बाहर का जो अद्भुत नज़ारा देखा तो दोस्तों मन जो था वो प्रफुल्लित हो गया। ये जो आप सामने टावर देख रहे हैं ना, ये टावर 1990 में अपने आप में एक लेजेंडरी टावर था।
क्योंकि उस टाइम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसे सब स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो फिलहाल मेरे को लगता है ये टेलीकॉम पर्पस के लिए होगा, मोबाइल सर्वर के लिए। वैसे दोस्तों ये उस समय की बात है जब यहाँ पहुँचने में बहुत ही मुश्किल होती थी, रोड वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर थी नहीं। उस समय इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है तो अपने आप में लेजेंडरी है। और ये पीछे है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। भारत की तरफ से जो हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है वो इसी श्रृंखला से होती है। ये जो आप सामने एक लिपि देख रहे हैं ना शिलालेख पर, इसका आज तक कोई बता ही नहीं पाया है कि इसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ना तो पुरातत्व विभाग द्वारा और ना ही यहाँ की लोकल कम्युनिटी के द्वारा। ये अपने आप में एक गुप्त लिपि है।